हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मजीद माई सेल्फ यास्मीन और आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल ट्रेवल ट्रेवल विथ विथ हमजू हमजू पे। तो आज हम लोग निकल रहे हैं सिक्किम के लिए। तो हम लोगों का ट्रेन सिलचर से कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों ने बदरपुर से ट्रेन कंफर्म कराया है। तो हम लोग बाई रोड बदरपुर जा रहे हैं। हम लोगों का ट्रेन 7:40 को है, लेकिन हम लोग जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि आज दुर्गा पूजा है और बहुत ट्रैफिक है। फिर भी हम लोग बाईपास होके कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जैसे ट्रैफिक जल्दी नहीं मिले पहुंचे। और हाँ जल्दी पहुंचने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हमजू कहाँ पे? अफरीन हाय बोल दो। अफरीन हाय बोल दो। ये रहा हम लोगों का अफरीन और ये रहा हम लोगों का हमजू। हाय बोलो। हाय, हम लोग को हाँ अभी निकलना है। चलिए निकलते हैं। आ जाओ अपनी, आ जाओ। तो हम लोग पहुंच गए बदरपुर जंक्शन पे। एक्चुअली हम लोगों का ट्रेन था 7:40 को, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए बदरपुर जंक्शन पे क्योंकि एक घंटा जैसा हम लोगों को बैठना पड़ेगा अभी बदरपुर जंक्शन पे। थोड़ा जल्दी निकल गए थे पूजा के लिए, बैठते हैं देखते हैं क्या है। हाँ, और एक फैमिली मेरा साले साहब आ गए, इनसे मिलिए। मेरा साला साहब ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। ये हमजू को गाड़ी मिल गया बैठने के लिए, ट्रॉली पे बैठ के जा रहा है। वेटिंग हॉल है बदरपुर जंक्शन का। तो हम लोग फिलहाल वेटिंग हॉल पे ही जा रहे हैं, वहाँ पर बैठेंगे। हम जो हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, हाय बोलो, क्या हुआ? ये है हम लोगों का बदरपुर रेलवे जंक्शन। तो हम लोगों को अभी आधा घंटा जैसा और वेट करना पड़ेगा। क्या है, स्टेशन में ही वेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या है स्टेशन से। यहाँ पर बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, बहुत से पैसेंजर भी बैठे हुए हैं ट्रेन का इंतजार में। हाँ चलिए चाय पी लेते हैं, दो तीन चाय बोल दीजिए इनको।
मेरे लिए भी बोल दो। ट्रेन बहुत लेट है, 40 मिनट जैसा अभी और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अभी तो 9:35 है, तो 8:15 को आएगा, तो पहले से ही हम लोग लेट पे चले आए हैं। ये मेरा चाय आ गया, कैसा दे दिया। अभी यास्मीन को डोसा खाना है, तो इनका डोसा ये रेडी हो रहा है। देखिए कैसे बना रहे हैं, मसाला डोसा ना। ये तो बहुत खास बना रहे हैं मसाला डोसा। इनका मसाला कहाँ पर है, ये अभी तक मसाला नहीं आया है, मसाला डालेंगे। ये मसाला आ गया, वो आलू है और आलू का साथ और कुछ मिला हुआ है। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो स्टोव का हीट बहुत आ रहा है। ये आ गया डोसा, इडली और बड़ा, साथ में चटनी। हाँ स्टार्ट करो। बैठने का जगह कहाँ पर है। ये हम लोगों का रानी कमलापति एक्सप्रेस आ गई है जो एमपी तक जाएगी, लेकिन हम लोगों का सफ़र एनजीपी तक ही है और हम लोग एनजीपी पे ही उतर जाएंगे। तो अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और एक दिक्कत है कि हम लोगों का 6 सीट आपका B2 पे है और 2 सीट हम लोगों का B5 पे है, तो रात को हम लोगों को 2 आदमी को B5 में जाना पड़ेगा। हमजू का ये पहला ट्रेन का सफ़र है और इसे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्ती भी कर रहा है। इसने पहले कभी ट्रेन नहीं चढ़ा है, वैसे वो फ्लाइट चढ़ चुका है, गाड़ी भी चढ़ चुका है, लेकिन ट्रेन में पहली बार है और मज़े कर रहा है ये। और देखते हैं आगे रात तक ये क्या करता है, ट्रेन में हम लोगों को अच्छे से सोने देता है या दिक्कत करता है, अभी तो पता नहीं है। फ्लाइट में तो 1-2 घंटा में चला जाता है वो, और वो अभी फ़िलहाल डिनर कर रहा है। तो 2 बज रहा है, हम लोगों का ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गया, तो अभी हम लोग NGP पहुंच गए, तो आगे का सफ़र के लिए हमारे साथ बने रहे। ये है NGP स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी।
तो हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड पे, वहाँ से कार है। यहाँ से जाने के लिए आपको बस भी मिल जाएगा, आपको बस पे सस्ता पड़ेगा, बस मिलेगा, शेयर टैक्सी मिलेगा और आप रिजर्व भी कर सकते हैं। तो हम लोग कार रिजर्व कर लेंगे क्योंकि हम लोग 7 मेंबर है, तो हम लोगों को 2 कार लेना पड़ेगा। तो वहाँ जाके पता चलेगा कितना है, कैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो पिक सीजन ही है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही होगा। पिक सीजन में थोड़ा फेयर, कार फेयर, होटल फेयर, सब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो देखते हैं कितना क्या होता है कार का रेंट, और वहाँ होटल का क्या होता है। होटल पे बात किया था बहुत ज़्यादा, जहाँ पर 1500 रुपये पे पहले मैं गया था रहा था, अभी 2500 बोल रहा है। जाने के बाद पता चलेगा क्या होता है। फिलहाल मैं कार ले लेता हूँ, कार लेने का बाद में देखते हैं। हमजू इधर देखो, हमजू छोड़ दो, उसे छोड़ दो। हमजू इधर देखो, ये हम लोगों का हमजू।